अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इब्रार अहमद और आप देख रहे हैं इब्रार अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, अभी आप लोग मेरे सामने ये माल देख रहे हैं, ये कोरियन मिक्स बैग के नाम से बंडल आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता ऐसा है कि इसमें शॉपिंग बैग जिसको हम थैला कहते हैं वो भी निकलता है, कुछ शो पीस भी निकलता है, ठीक है जी। बंद बंडल होता है, पक्का आइडिया नहीं होता। अब देखें, ये चीज़ जो है ना, ये या तो शो पीस है या सफरी बैग है, इस तरह की कोई चीज़ है। जैसे ये हो गया, ठीक है, देखें ये थैला है, सही है। ये चीज़ जो है या सफरी बैग की है या स्कूल बैग की है, ठीक है। तो मतलब इसमें स्कूल सफरी की बहुत कम तादाद होती है, ज़्यादातर इसके अंदर शॉपिंग बैग, थैला वगैरह, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती हैं, या शो पीस जिसको हम बोलते हैं, शो पीस ज़्यादा आ गया। ये देखें, अच्छा अब ये ज़िप वाला है, अब ये थैला है या सफरी बैग है इसका पता नहीं, जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये देखें, ठीक है, बहरहाल मिक्स बैग के नाम से ये आता है, ठीक है। इसमें थैला शॉपिंग बैग ज़्यादा निकलता है और शो पीस ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप लोग समझें जी बिल्कुल सारा स्कूल बैग या सफरी बैग निकलेगा, वो बहुत कम होता है। क्योंकि देखें, ये नज़र आ रहा कुछ, ये नज़र आ रहा, ये नज़र आ रहा, बाकी शॉपिंग बैग जो इसका थैला होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कोरियन थैला जो है ना वो एक नंबर होता है। तो आप लोग जो है वो, जैसे कुछ कस्टमर होते हैं जो शॉपिंग बैग भी मांग रहे होते हैं, थैला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है, अच्छा वाला, ठीक है। ये देखें, डोरी वाला थैला तो आया मिक्स बैग के नाम से है। तो जो लोग अलग से शॉपिंग बैग, थैला वगैरह अच्छा लेना चाहते हैं, वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो जिसने भी ऑर्डर करना है, ये मेरे ख़्याल में 100 kg का बंडल है, अंदाजन मेरे ख़्याल में 100 kg के करीब का ये बंडल है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है, पेमेंट प्रोसेस हमारा एडवांस है, डिलीवरी चार्जेस आप लोगों के होते हैं, ट्रक अड्डे के थ्रू हम लोग माल बुक करवाते हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी अवेलेबल है। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो को अच्छी सी लेके हाजिर होऊंगा। इब्रार अहमद ऑफिशियल को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।